सो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया था? ये सब हम डिस्कस कर चुके थे ना, स्मैश में बल्क मॉडुलस, मुझे प्लीज बता दो, वेडनेसडे, मेरी फ्राइडे तो मैं क्लास नहीं पाया था, वेडनेसडे जो क्लास थी उसमें मैंने ये सब डिस्कस कर लिया था, अनवी, यशिका, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। यस ओके, सर, यस सर। शेयर मॉडुलस पर एक ये न्यूमेरिकल किया था हमने, शेयर मॉडुलस पर एक न्यूमेरिकल और बचता है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अच्छा न्यूमेरिकल है, अच्छे खासे चांसेस होते हैं इसके। तो देखिए, टू स्ट्रिप्स ऑफ मेटल्स आर रिवेटेड टुगेदर एट देयर एंड्स बाय फोर रिवेट्स ईच ऑफ डायमीटर 6 mm। इस क्वेश्चन को प्लीज एक बार नोट कर लो, फिर सॉल्व करते हैं साथ में। जब तक मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि जिस बॉन्ड, जिस जॉइंट को रिवेट कहते हैं वो कैसा होता है। क्वेश्चन नोट किया आप लोगों ने? दिव्यांशु, उमर, नहीं लिख रहा हूँ। जल्दी 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 लिखो। हो गया। यशिका, नोट किया क्वेश्चन? फिर लिख रही हूँ। अक्षत, ये क्वेश्चन नोट करो प्लीज, हाँ, इसको सॉल्व करेंगे। ओके सर। ओके, नोट कर लिया होगा। अब देखो, इसमें जो रिवेट लिखा है ना, उस रिवेट का क्या मतलब है? रिवेट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ जॉइंट जो कुछ ऐसा दिखता है। जस्ट वन सेकेंड, मैं आपको रिवेट दिखा दूं, देन वी स्टार्टेड। सो ये जो पर्टिकुलर टाइप का बोल्ट लगा है, दिस इज नोन एज रिवेट, ये रिवेट है। आप तो जो क्वेश्चन आपको दे रहा है बिल्कुल इसी तरह का है, कह रहा है दो प्लेट्स हैं, दो मेटल की प्लेट्स हैं, एक नीचे वाली प्लेट मान लो, एक ऊपर वाली प्लेट मान लो, उन दोनों प्लेट्स को चार रिवेट से कनेक्ट किया हुआ। ऑब्वियसली इस जॉइंट की भी एक लिमिट होगी, एक लिमिट तक आप इस पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई करोगे तो ये ज्वाइंट भी ब्रेक कर जाएगा। तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम कितनी फोर्स अप्लाई करें कि ये ब्रेक ना करे। सो दैट इज रिवेट। तो यहां पर दो प्लेट्स हैं, इन दोनों प्लेट्स को, एक प्लेट वन प्लेट टू, दोनों प्लेट्स को आपने कनेक्ट किया हुआ है थ्रू अ से, आपने से कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज वन, दिस इज वन एंड दिस इज टू। अब आपसे कह रहा है यहां पर इन सिस्टम पर आप कितनी फोर्स अप्लाई करो मैक्सिमम कि ये ब्रेक ना करे। अब आपको हर रिवेट का डायमीटर गिवन है, रेडियस आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, मैक्सिमम आप क्या फोर्स अप्लाई कर सकते हो कि ये ब्रेक ना हो, और जो मैक्सिमम शियरिंग स्ट्रेस ये विदस्टैंड कर सकता है वो इतना है। यशिका, मुझे बताओ, इतना क्वेश्चन समझ कर क्या समझ में आया, पढ़ के क्या समझ में आया, फोर्स कैसे निकाल सकती हैं आप, स्ट्रेस दी हुई है।
Yes, Yashika. Stress होता है force upon area तो force. बट वो जो फोर्स होगी यशिका वो फोर्स एक रिवेट की आएगी या फिर टोटल टोटल प्लेट की टोटल लेकिन आपको तो एक रिवेट पे चाहिए और ये स्ट्रेस किसकी दी हुई है ये पूरी प्लेट के लिए गिवन है मैक्सिमम स्ट्रेस या हर एक रिवेट के लिए सर वन रिवेट थोड़ा सा चेंज है बस आपने जो कहा 80% वही करना है थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है मैंने इस प्लेट पर एफ फोर्स अप्लाई करी अक्षत क्या लगता है हर रिवेट पर भी फोर्स एफ जाएगी या चारों रिवेट में फोर्स इक्वली डिवाइड हो जाएगी मैं आपसे कह रहा हूं इस प्लेट को ब्रेक करने के लिए दोनों प्लेट्स को द मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड इज एफ तो ये एफ फोर्स ही हर रिवेट पर एक्ट कर रही है या हर रिवेट पर एफ बाय फोर एक्ट करेगी अक्षत एफ बाय फोर एक्ट कर रही है और हर रिवेट का स्ट्रेस कितना है 2.3 × 10⁻¹⁹ उन्हीं अब मुझे बताओ एरिया कैसे आएगा स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया एरिया कैसे आएगा उन्हीं है ना क्लास उन्हीं एरिया कैसे आएगा सर मैंने अभी अभी जॉइन पे थोड़ा एक्सप्लेन कर अरे दो प्लेट्स हैं दो प्लेट्स को मैंने चार रिवेट से कनेक्ट किया हुआ है मैं एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ ये प्लेट दूर चली जाएंगी तोड़ देंगे एक दूसरे ये अगर मैंने फोर्स एफ से ज्यादा अप्लाई करी तो ये दोनों प्लेट्स अलग हो जाएंगे मीन्स ये जो चार रिवेट हैं ये ब्रेक कर देंगे तो अब मैं ये कह रहा हूँ अगर मैं प्लेट पर एफ रिवेट अगर आपने अभी नहीं देखा था मैंने दिखाया भी था रिवेट क्या होता है तो रिवेट बेसिकली टाइप ऑफ जॉइंट है बोल्ट समझ लीजिए चार बोल्ट लगे और हर बोल्ट का डायमीटर है 6 mm तो हर बोल्ट का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना आएगा उन्हीं ऊपर से सर्कुलर है डायमीटर दिया हुआ On V. एरिया क्या होगा सर एक रिवेट का तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर तो आप ऐसे कह सकते हो कि टोटल फोर्स अगर आपने F अप्लाई करी ऑन ईच रिवेट जो फोर्स जाएगी दैट्स F by 4 और स्ट्रेस क्या होता है स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन F max by 4 हो गई डिवाइडेड बाय एरिया इज स्ट्रेस तो यहाँ से आपने एफ मैक्स कैलकुलेट कर लिया मल्टीप्लाई कर लिख लो इसे जल्दी से इस तरह से काम है एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है आ जाती है अक्सर है कुछ भी नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर सिर्फ मल्टीप्लाई करना है लेकिन आपने पहले ना कराओ तो फिर गड़बड़ होने के चांसेस बहुत होता है तो जो एफ मैक्स आएगा वो तो चारों रिवेट्स का कंबाइंड आएगा ना हाँ इसीलिए तो एक रिवेट के लिए एफ मैक्स बाय फोर कर दिया मैंने जो एफ मैक्स आएगा वो प्लेट के लिए होगा वही तो पूछ रहा है प्लेट पर कितनी अप्लाई करें तो एफ मैक्स चारों रिवेट के लिए आएगा टोटल प्लेट पर आप मैक्सिमम कितनी अप्लाई कर सकते दिव्यांशु असीम इज इट क्लियर यस सर यस सर नेक्स्ट हमने बल्क मॉडुलस डिस्कस किया था देविन तुम नहीं थे ना शायद लास्ट वेडनेसडे या थे क्लास में बल्क मॉडुलस मुझे कौन याद दिलाएगा नम्रा मुझे बताओ कि व्हाट इज बल्क मॉडुलस क्या मतलब होता है बल्क मॉडुलस का Namra, what is bulk modulus? Yeah. Bulk modulus kab use karte hain Namra? Jab volume mein change hota hai. Volume mein change aayega to bulk modulus lenge. Ye sab hum kar chuke hain bulk modulus mein. Compressibility humne discuss kiya tha. Water ka bhi hum discuss kar chuke the. Last discussion yahi tha hamara ki agar ओशन की बेस में जा रहे हैं तो बल्क मॉडल डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है ये और लिख लेना सॉलिड्स का बल्क मॉडल सबसे ज्यादा होता है फिर लिक्विड्स का होता है फिर गैसेस का होता है
जिस सिस्टम का बल्क मॉडुलस जितना ज्यादा होगा उसे कंप्रेस करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है. सॉलिड्स को कंप्रेस करना सबसे ज्यादा मुश्किल होता है. दैट मींस बल्क मॉडुलस ऑफ सॉलिड इज मैक्सिमम. इसको लिख लो प्लीज. सॉलिड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल एंड गैसेस आर मोस्ट कंप्रेसिबल. कंप्रेसिबिलिटी ऑब्वियसली इनवर्स है और ऑपोजिट रिलेशन है. सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन लिखो, सॉल्व साथ में करें. क्वेश्चन लिखिए, साथ में सॉल्व करेंगे. डेंसिटी 980 है. चलिए नोट कर लिया ना सबने, लिखिए. सर 980 क्या दिया हुआ है? जी की वैल्यू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप. नॉर्मल डेंसिटी सी वाटर की गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. व्हाट विल बी इस डेंसिटी एट अ डेप्थ ऑफ 3 किलोमीटर. सो मान लीजिए आप जिस डेप्थ में डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं वाटर की, ये हमने डिस्कस भी किया था. वेडनेसडे इसी प्रॉब्लम को हम डिस्कस कर रहे थे जब टाइम खत्म हो गया था. ये ओशन दिया हुआ, डेप्थ ऑफ द ओशन इज 3 किलोमीटर. यहाँ पे कुछ वाटर है, वो कह रहा है जो टॉप लेयर पर वाटर है ना, इसकी डेंसिटी है इट्स 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. कह रहा है 3 किलोमीटर की डेप्थ में जो वाटर होगा, इस वाटर की डेंसिटी क्या होगा. तो देखो होगा क्या, ये जो 3 किलोमीटर की डेप्थ में वाटर है, ऊपर वाला वाटर इस वाटर को फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, प्रेशर अप्लाई कर. इस प्रेशर की वजह से ये वाटर थोड़ा सा कंप्रेस हो जाएगा. तो आप काम क्या कर सकते हो, पहले तो आप प्रेशर निकाल लो जो प्रेशर एक्ट कर रहा है वाटर. प्रेशर ड्यू टू वाटर कॉलम
of depth 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का जो वाटर कॉलम है इसकी वजह से जो प्रेशर होगा, दैट प्रेशर इज एच रो जी. तो प्रेशर हो गया, हाइट इज एच, एच इज 3 × 1000. बेटर होगा, सब कुछ सीजीएस में दिया है ना, तो सब सीजीएस में ही ले लेना. एच 3 किलोमीटर गिवन है, सो 3 × 1000 मीटर × 100 सेंटीमीटर into density of water is 1 g/cm³. G की value 980 दी हुई है. इतना डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर का इस पर प्रेशर एक्ट कर. इस प्रेशर के साथ साथ देखो ऊपर से, अच्छा ये जो एच रो जी आया ये हम नेक्स्ट जैसे फ्लूइड स्टार्ट करेंगे फ्लूइड में से डिराइव करेंगे, अभी इसको डिराइव नहीं करते. इसके साथ साथ ना यहाँ ऊपर से एयर भी, एयर प्रेशर भी एक्ट करता है. तो यहाँ जो वाटर है, इस वाटर पे जो टोटल प्रेशर एक्ट कर रहा है वो ये प्रेशर 3 किलोमीटर वाटर कॉलम की वजह से भी और एयर प्रेशर की वजह से. तो नेट प्रेशर on water at depth of 3 किलोमीटर, जो net pressure होगा, that pressure is pressure due to water column plus pressure due to air. तो ये water column का pressure है 980 × 98 × 3 × 10⁵, 3, 4, 5, 6. 6 dyne per cm² plus atmospheric pressure. Atmospheric pressure कितना दिया हुआ? It's 10⁶. इतना dyne per centimeter square. तो आपसे कह रहा है जब इतना प्रेशर एक्ट कर रहा है तो वाटर की डेंसिटी कितनी हो जाएगी. तो देखो टॉप पे जो वाटर होगा उसकी डेंसिटी कितनी है, 1 g/cm³. तो आप ऐसे लिख सकते हो, इनिशियल जो डेंसिटी है रो वन, दैट्स मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय इनिशियल वॉल्यूम, दैट्स वी वन. जो बाद की डेंसिटी होगी रो टू, दैट्स मास ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय फाइनल वॉल्यूम विच इज वी टू. अब फाइनल वॉल्यूम देखो क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम होगा इनिशियल जो भी वॉल्यूम था वाटर का माइनस जितना भी वॉल्यूम में चेंज आया होगा. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, रो टू इज मास ऑफ वाटर इनटू वी टू माइनस, सॉरी वी टू. दोनों का रेशियो ले लो. तो जब आप डिवाइड करोगे 1 और 2 को, ये ऊपर जो मैंने डेटा कैलकुलेट किया इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, देखेंगे इसकी कहां जरूरत है. पहले देखो ये टॉप पर वाटर है, इस लेयर पर, यहाँ जो वाटर है इसकी डेंसिटी रो वन, जो 3 किलोमीटर की डेप्थ में वाटर है इसकी डेंसिटी रो टू. तो रो वन इज एम बाई वी वन, रो टू इज एम बाई वी टू. रो वन गिवन है, रो टू चाहिए, जस्ट कैंसिल कर दीजिए 1 और 2 को. तो जब आप 1 और 2 को डिवाइड करोगे यू विल गेट रो वन बाय रो टू, इट्स एम बाय वी वन डिवाइडेड बाय एम बाय वी टू. एम से एम कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी वी टू डिवाइडेड बाय वी वन. तो यहां से रो टू कैलकुलेट करने के लिए आप एक काम और कीजिए, दोनों साइड 1 सबट्रैक्ट कर दीजिए. सो इट्स वी टू बाय वी वन माइनस 1. सो ये आ गया रो वन माइनस रो टू बाय रो टू, वी टू माइनस वी वन. तो ये आपका इधर चला जाएगा, ये आएगा वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय वी वन. और ये वी टू माइनस वी वन को आप लिख सकते हो, इट्स डेल्टा वी डिवाइडेड बाय वी वन. नाउ दैट्स इक्वेशन नंबर 3 ना. अब ये जो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम आया,
इसके लिए आप बल्क मॉडुलस यूज कर सकते हो. बल्क मॉडुलस था माइनस पी बाय डेल्टा वी बाय वी. नेगेटिव साइन सिर्फ ये बताता है कि डिक्रीज हो रहा है वॉल्यूम. तो यहां से आप चाहो तो डेल्टा वी बाय वी वन निकाल सकते हो. डेल्टा वी बाय वी वन विल बी प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस. दैट्स इक्वेशन नंबर 4. इसको डागन यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. सो विल गेट रो वन माइनस रो टू बाय रो टू. सिर्फ इसको उठाओ, फोर को थ्री में रख दो. इट्स प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस. प्रेशर आप यहां कैलकुलेट कर चुके हैं. बल्क मॉडुलस आपको क्वेश्चन में गिवन है. कंप्रेसिबिलिटी गिवन है, दैट मींस बल्क मॉडुलस गिवन है. यह आ गया ना वन बाय बल्क मॉडुलस. वन बाय बल्क मॉडुलस को आप लिख सकते हो P into C. This B is bulk modulus and this C here is compressibility. चलो इतना लिखो और फिर यहां इसको इक्वेशन नंबर 5 कह देते हैं. यहां जो कुछ भी चाहिए सब गिवन लिखिए ना. नोट किया आप लोगों ने?
नेक्स्ट देखिए, सर थोड़ा ऊपर कर दी। तो देखो यहां से ना तुम्हें फाइनल डेंसिटी कैलकुलेट करनी है, रो टू कैलकुलेट करना है। तो देखो इस इक्वेशन को आप कुछ दोबारा से ऐसे लिख सकते हो कि वो सिर्फ रो वन और रो टू की टर्म्स में आ जाए। सो यू कैन राइट दिस एज रो वन बाय रो टू माइनस रो टू बाय रो टू। वन को राइट में ले जाएंगे, पी गिवन, पी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, सी गिवन है, तो इजिली रो टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो आप लिख लो तो बताना मुझे। दिस इज द टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑन बल्क मॉडल्स जो थोड़ा ढंग का क्वेश्चन होता है, मतलब वो जिसमें वॉल्यूम दे दे इनिशियल वॉल्यूम, उसमें तो कुछ नहीं मिलेगा। ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ थोड़ा सोचना पड़ जाता है। फोर्थ पॉइंट के बाद से समझ नहीं आया। ओके, एंड डोंट वरी अबाउट दिस फॉर्मूला। ये तो हम फ्लूइड में जैसे स्टार्ट करेंगे पहले रिलेशन ये डिराइव करते हैं। फोर्थ पॉइंट के बाद सिर्फ ये करा है, इस फोर को उठाकर यहाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, डेल्टा वी बाय वी वन को यहाँ रख दिया, तो रो वन माइनस रो टू बाय रो टू जो था डेल्टा वी बाय वी वन को पी बाय बी रख दिया। वन बाय बल्क मॉडुलस कंप्रेसिबिलिटी होता है, तो वन बाय बी की जगह पी सी कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप्स में करूंगा, सर एक बार वो नेट प्रेशर वाला भी समझ। नेट प्रेशर वाला होगा, नेट प्रेशर में सिर्फ इतना है कि यहाँ जो लिक्विड होगा ना थ्री किलोमीटर की डेप्थ में, इस पे जो प्रेशर होगा वो 3 किलोमीटर का वाटर कॉलम भी एग्जर्ट कर रहा होगा, और ये ऊपर से जो एयर है वो एयर भी एग्जर्ट कर रही होगी। तो टोटल जो प्रेशर है वो एयर का प्रेशर प्लस 3 किलोमीटर वाटर कॉलम का प्रेशर। तो आप लिख सकते हो टोटल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ वाटर प्लस प्रेशर ऑफ एयर, सो इट्स 98 इंटू 3 इंटू 10^6 प्लस एयर प्रेशर विच इज 10^6। और ये एच रो जी कैसे आता है, इसकी टेंशन मत लो। मतलब एक लिक्विड कॉलम में अगर एच हाइट का, तो जो प्रेशर एग्जर्ट करता है बैच बेस पर, दैट्स हाइट ऑफ कॉलम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। ड्राइव हम बाद में करें। हाउ नी बिट नो, यस सर। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन को ना अलग अलग लिख लो। इसको आप ऐसे लिख दो, रो वन बाय रो टू माइनस रो टू बाय रो टू, इट्स पी इंटू सी, विच इंप्लाइज इट्स रो वन बाय रो टू, रो टू बाय रो टू इज वन इज इक्वल टू पी सी, विच मीन्स यहां से रो वन बाय रो टू आप लिख दो, इट्स पी सी प्लस वन। तो यहां से आप रो टू निकाल सकते हो। अब ये मैंने एक तरह का डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करके दिखा दिया। इन योर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इसको चाहो तो डायरेक्टली यूज कर लो। आप ये लिख सकते हो कि ये जो रो टू होगा That's rho 1 divided by PC plus 1. That's rho 2 which is PC plus 1. ये density का expression. Rho 1 आपको given 1 gram per centimeter cube. Pressure हम यहाँ calculate कर चुके हैं. और C आपका compressibility है जो calculate हो गया. तो अगर आप इनिशियल डेंसिटी जानते हो तो फिर आप फाइनल डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हो प्रेशर अगर गिवन होगा। इसे लिख लीजिए, इसके आगे की न्यूमेरिकल वैल्यू आप खुद कैलकुलेट करें। दिव्यांशु क्लियर है ना? यस सर। बहुत लेट है आज आप। यस सर। लास्ट क्लास में एब्सेंट भी नहीं आप शायद, वेडनेसडे।
21 के बाद। अब जैसे हमने एक स्प्रिंग पढ़ा था कि अगर आप स्प्रिंग लो, स्प्रिंग को स्ट्रेच करो, तो स्प्रिंग में एक रीस्टोरिंग फोर्स आती है। क्या एक्सप्रेशन होता है रीस्टोरिंग फोर्स का यशिका? सर माइनस ऑफ kx, माइनस ऑफ kx। अक्षत, इस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से स्प्रिंग में कुछ पोटेंशियल एनर्जी आती है, क्या एक्सप्रेशन है उस पोटेंशियल एनर्जी का अक्षत? अक्षत जब तुम स्प्रिंग को स्ट्रेच करोगे तो उसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आएगी, क्या एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी का? सीम को ठीक याद है, और किसी को? अनवी कुछ याद है एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? Half kx square. Just like spring, last lecture में हमने discuss किया था, this wire will behaves like a spring. इस wire में भी एक restoring force develop होती है, that is this force, ये जो आप F use कर रहे हो, ये वाली force है। जैसे आप कहते हो deforming force, जितनी deforming force है उतनी restoring force develop होगी। और हमने लिखा भी था कि ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है, स्प्रिंग फैक्टर भी हमने कैलकुलेट किया था। उसके बाद इसमें आप पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हो, आप कह सकते हो कि इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करने का तरीका वही होगा जो मेथड आपने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग में पढ़ा था। कोई मुझे याद दिलाएगा पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते कैसे, डिराइव कैसे करते हैं? दिव्यांशु, हाउ वी डिराइव एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? यशिका, कैसे डिराइव करते हैं पोटेंशियल एनर्जी? नम्रा, कैसे डिराइव करोगे पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन? हाइट और वर्क डन, सिस्टम को इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक लाने में जो वर्क डन करना होगा वो वर्क डन आपको पोटेंशियल एनर्जी देगा। ये आपकी जो और वायर है, ये इस वायर की इनिशियल पोजीशन है। अक्षत, इनिशियल पोजीशन का मतलब है मैंने इस वायर को ना स्ट्रेच किया ना कंप्रेस किया, इसमें कितना एलोंगेशन है? अक्षत, इनिशियल एलोंगेशन को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये प्रकार में जाता है जीरो। इनिशियल जो एलोंगेशन है दैट इज जीरो, और मैंने इस वायर को स्ट्रेच किया और अब जो एलोंगेशन हो गया दैट एलोंगेशन इज एल। जीरो से एल एलोंगेशन तक लाने में कुछ वर्क डन करना होगा डिफॉर्मिंग फोर्स पर भी और जो रीस्टोरिंग फोर्स इसमें डेवलप हो रही है। जितनी आप डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करोगे एग्जैक्टली उतनी ही रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो। तो यहाँ जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है वो रीस्टोरिंग फोर्स कुछ वर्क डन करेगी, नेगेटिव ऑफ दैट वर्क डन गेट्स स्टोर्ड इन द सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। So, एक बार और बता दो मुझे दिव्यांशु, इनिशियल एलोंगेशन कितना है? कैपिटल एल। वही इनिशियल एलोंगेशन कैपिटल तो एलोंग से जीरो। फाइनल स्मॉल एल। स्मॉल एल, सो इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल मैंने एक इंटरमीडिएट स्टेज ले ली जब इसके अंदर एलोंगेशन एक्स है और मैं इसमें रीस्टोरिंग फोर्स कैलकुलेट करता हूँ। तो देखो यंग्स मॉडल्स होता है फोर्स अपॉन एरिया इनटू चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल, तो यहाँ फोर्स की जगह मैंने रीस्टोरिंग फोर्स रख दिया बिकॉज रीस्टोरिंग एंड डिफॉर्मिंग फोर्स बोथ आर इक्वल। ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, डेल्टा एल एलोंगेशन है जो कि एक्स है यहाँ पर। तो आप यहाँ से लिख सकते हो कि आपका जो एफ हो जाएगा एफ विल बी इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से एफ आ जाना चाहिए ना, इट्स यंग्स मॉडल्स इनटू एरिया इनटू डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ पर जस्ट यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस से एरिया ए है, डेल्टा एल की जगह आई विल यूज एक्स, दिस एक्स इज द एलोंगेशन, सो इट्स वाई एक्स इनटू ए बाय एल, सो दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स ऑन द वायर। नाउ आई नीड वर्क डन बाय रीस्टोरिंग फोर्स व्हेन वायर स्ट्रेच फ्रॉम जीरो टू एल। तो जब आप वायर को जीरो से लेकर एल कॉन्फिगरेशन तक स्ट्रेच कर रहे हो, जीरो से एल तक जब आपने वायर को स्ट्रेच किया तो इस वायर पे कुछ वर्क डन करना पड़ा। That work done is f dot dx or f dx cos 180. The reason is restoring force ऊपर act कर रही है, displace नीचे हो रहा है, minus cos 180 is minus 1, 0 to 12 f dx आ गया। f ये रहा,
जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था वाई एक्स बाई ए एल, और इस एफ की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो. वाई ए बाई एल कॉन्स्टेंट है, एक्स को इंटीग्रेट किया मैंने, इट्स एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू, टू को बाहर ले जाओ. सो माइनस ए बाई वाई ए बाई टू एल, इट्स लिमिट्स रख दो, एक्स की जगह अपर लिमिट विच इज एल स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर. तो ये आ गया आपके पास माइनस वाई ए एल स्क्वायर बाई टू. दिस इज द वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स. पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होती है, दैट्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई इंटरनल फोर्स. तो इसका जो भी वर्क डन आया, इस वर्क डन का नेगेटिव ले लो, दैट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी. सो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल. Although ये सेक्शन एनसीईआरटी आपके सिलेबस से हट गया, बट फॉर एंट्रेंसेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वाई ए स्मॉल एल बाय कैपिटल एल. स्मॉल एल और कैपिटल एल में क्या डिफरेंस है नोहा? यस नो, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉल एल एंड कैपिटल एल? So capital L is the length of the wire, whereas small l is the elongation, small final l. Elongation. Right, that's the elongation. So this is the final expression of potential energy, y a l square by 2. Note it down. We will do few questions on potential energy now. Iske baad jo bacha na, that's theoretical. अक्षत क्लियर है ना? रुक जाइए. हाँ जी अक्षत, कोई डाउट इसमें? तो हमने इसमें दो बार एक्सटेंड करा है क्या अलग अलग डिस्प्लेसमेंट पर? नहीं, जब मैं जीरो से एल लेकर जाऊंगा तो बीच में भी तो कुछ एलोंगेशन आएंगे. उमर मतलब एक बॉडी थी, उसमें इनिशियल एलोंगेशन जीरो था, और मैंने कहा उमर इसमें ना तीन मीटर का एलोंगेशन कर दो, तो जीरो और तीन के बीच में भी तो आई होगी. ऐसा थोड़ा ना कि वायर में एकदम जीरो से थ्री हो गया, जीरो से 0.1 हुआ होगा, जीरो मिड पॉइंट है दोनों. मिड पॉइंट नहीं, इन बिटवीन कुछ भी ले लिया मैंने. जैसे इनिशियल जीरो और फाइनल थ्री था, तो ये 0.2 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है. दिस इज इन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल. आप शायद ये वाला मेथड आप चौथी बार कर रहे हो. पहले आपने किया था स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स को डिराइव किया था ऐसे ही, फिर आपने MGH ड्राइव किया था, फिर ग्रेविटेशन में आके आपने माइनस GMM by R पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस वो ड्राइव किया था. इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया कि वर्क डन आप कैलकुलेट करना जानते हैं, बस जो भी वर्क डन आ रहा है उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा.
वर्क डन इंटरनल का क्या मतलब? जो इंटरनल फोर्सेस जो वर्क डन कर रही है, दिस इज वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स. रीस्टोरिंग फोर्स तो इंटरनल है ना, सो इट्स वर्क डन बाय द इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स. अब देखिए सर, इसको हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन की टर्म्स में लिखना है. मुझे यहां कहीं बता सकते हो, कहीं स्ट्रेन दिख रहा है किसी को इस एक्सप्रेशन में? कहीं कोई स्ट्रेन नजर आ रहा है? स्ट्रेन का एक्सप्रेशन इसमें ऐसे तुम लोग बताते नहीं हो, एक का नाम लेता रहा ना मैं खुद तो कभी कोई. एल बाय स्मॉल एल बाय कैपिटल एल. वेरी गुड, स्मॉल एल बाय कैपिटल एल. स्मॉल एल बाय कैपिटल एल स्ट्रेन. तो आप कर क्या सकते हो, अगर यहाँ कैपिटल एल का स्क्वायर कर, ये है ना स्मॉल एल बाय कैपिटल एल तो स्ट्रेन है. तो अगर मैं इसका स्क्वायर कर, मीन्स को ऐसे में लिख दूं, इट्स हाफ वाई, यहाँ भी कैपिटल एल से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी कैपिटल एल से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल बी एल बाय एल का स्क्वायर ए इंटू एल. ये जो स्मॉल एल बाय कैपिटल एल का स्क्वायर है, दिस इज स्ट्रेन का स्क्वायर. एरिया इंटू लेंथ क्या हो गया? वॉल्यूम. एंड दैट्स हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस. ये तो एज इट इज रहा. तो ये भी एक्सप्रेशन है पोटेंशियल एनर्जी का, दैट्स हाफ इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम. आप कुछ और इसको ना फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो. आप ऐसे भी लिख सकते हो, यंग्स मॉडुलस को आप लिख दो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इनटू स्ट्रेन स्क्वायर. स्क्वायर से ये स्ट्रेन कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम. वॉल्यूम को नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो यू बाय वॉल्यूम जो होगा, दिस इज इक्वल टू हाफ into stress into strain. So potential energy divided by volume को आप small u से represent कर सकते हैं. तो u is half into stress multiplied by strain. ये जो u है ना, that's basically potential energy divided by volume. इसे आप कह सकते हो energy density. This is energy density. This is energy density. Total energy divided by the volume. It's energy density. चलिए लिखिए. सर एनर्जी डेंसिटी का सिंबल क्या डाला आपने? स्मॉल यू. अच्छा
चलिए क्वेश्चंस देखिए. सो एनर्जी डेंसिटी याद रखना, इस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम. इसमें क्वेश्चंस देखो एनर्जी डेंसिटी. देखो consists of two parallel rubber strings each of length 10 centimeter and area 10 m square. When stretched by 5 centimeter, it can throw a stone of 100 gram to a vertical height of 25 meter. Likhe itna. So a catapult di hui hai aapko, jisse kuch patthar ko utha ke maarna hai. कुछ हाइट तक फेंकना है आपको. यंग्स मॉडल्स ऑफ द रबर चाहिए जो रबर आप यूज कर रहे इसे लिखो और मुझे बताओ कौन सा आप कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो हाइट कैलकुलेट करने के लिए, जिस हाइट तक इसके थ्रू आप स्टोन को फेंक सकते हो. दोनों साइड रबर है तो दोनों साइड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हैं. यू नीड यंग्स मॉडुलस. क्वेश्चन नोट किया सबने? अनवी, यशिका? यस सर. हाँ अब बताओ मुझे क्या लॉजिक यूज करोगे. आपको सिर्फ ये देखना है इसको आप कुछ स्ट्रेच कर रहे हो और उसको स्ट्रेच करने के बाद ये स्टोन को थ्रो करता है और स्टोन 25 मीटर की हाइट तक जाता है. मुझे ढंग की पिक नहीं मिली, मैंने तो हॉरिजॉन्टल दिखाया हुआ है, बट ये स्टोन को ऊपर फेंकेगा. ये कुछ ना ऐसे नीचे करके लगा हुआ. मुझे बता सकता है कोई क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे यंग्स मॉडल्स निकालने के लिए? इसमें जो एरिया दे रखा है 10 मिलीमीटर स्क्वायर, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है रबर का. रबर का ये जो रबर है ना, ये जो क्रॉस सेक्शन ले रहा है, दैट्स 10 एमएम स्क्वायर. हम तो वायर कंसीडर करेंगे ना उसको. आप वायर कोई बताएगा मुझे क्या लॉजिक यूज करोगे? कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले कोई तो स्ट्रेटजी होनी चाहिए थी आपको. अच्छा एक बात बताओ, इस अगर इसको इसने स्ट्रेच किया, मान लो ये स्ट्रेच कर इसको थोड़ा दूर ले गया, इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी? पोटेंशियल. कौन सी पोटेंशियल एनर्जी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी? इलास्टिक पोटेंशियल. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी. सिर्फ एक स्ट्रिंग की या दोनों स्ट्रिंग्स की? दोनों. तो आप ये लिख सकते हो कि यहां जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, दिस इज इलास्टिक
पोटेंशियल एनर्जी मींस यहां से आपने स्टोन को थ्रो किया तो स्टोन के अंदर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी. जब ये 25 मीटर की हाइट पर चला जाएगा स्टोन और रुक जाएगा तो अब वो एनर्जी स्टोन की किस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हुई है? एक स्टोन को आपने 25 मीटर की हाइट पे फेंक दिया, स्टोन के अंदर कौन सी एनर्जी है अगर वो जब रेस्ट में आता है? ग्रेविटेशनल. कितनी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? मास इनटू m इनटू g mgh. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अक्षत इतना आया? तुम लोग बीच बीच में रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हो. बोल कैसे हुआ? अरे भैया आपने फेंका उसे, आपने उसको 10 जूल की एनर्जी दी, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर वो रुक जाता है, एनर्जी में कोई लॉस नहीं हो रहा. जहां रुकेगा वहां जाकर कौन सी एनर्जी होगी उसके पास? ग्रेविटेशनल. कितनी होगी? जितनी आपने इलास्टिक दी थी, फॉर्म ही तो बदलेगी एनर्जी की. अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो एनर्जी में लॉस तो नहीं हो सकता. इसी को तो कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या था? इट्स हाफ इनटू, ये लिखा था हमने कहीं, ड्राइव भी किया था, वाई ए स्मॉल एल स्क्वायर बाय एल. हाफ इंटू वाई इंटू ए इंटू एल स्क्वायर बाय एल इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय टू एल. हाँ तो है ना टू is equal to mgh. आपको क्या चाहिए? You need Young's modulus. तो Young's modulus will be mgh into L into A into L square. At least मुझे values बताते जाओ. अनवी कहना कि मैंने mass कितना. सर 2 भी तो होगा. mgh into L. हाँ जी अनवी, mass कितना given है? सर 100. कितना? kg, gram. सर 100 gram. तो 100 into 10 raised to the power minus 3. जी कितना होगा अनवी? सर 10. हाइट कितनी गिवन है? सर 25 मीटर. ओरिजिनल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की? सर 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर. एरिया कितना है? 10 mm square. So it's 10 into 10 raised to the power minus 3 का square. Into L extension, which is 5 into 10 raised to the power minus 2 square. So, यहां से आप Young's modulus की value calculate कर सकते हैं. मैं value लिख देता हूं, it's 10 raised power 8 newton per meter square. But ये जो आपने work energy in power में conservation of energy पढ़ा था, जब JEE में questions आएंगे तो वो कई जगह से mixed होते हैं. वहां सिर्फ gravitational potential energy या potential energy of spring कर रहे थे, लेकिन ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ वायर भी बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है. याद रखिएगा इसे, लिखिए और मुझे बताइएगा अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है भी. हमने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया.
उसे करा ना, मतलब वो सब मल्टीप्लाई कर करा के ये अच्छा, अब इसके बाद जो कुछ भी बचा हुआ है ना, दे आर डेफिनेशंस हैं और कुछ ग्राफ्स हैं, बट इनको इग्नोर मत करना। अक्सर ऐसा होता है स्कूल एग्जाम्स में सॉलिड से कैलकुलेशन नहीं पूछता, यही डेफिनेशंस और ग्राफ्स पूछ लेता है। तो मैं यहाँ आपको डेफिनेशन इज इट पॉसिबल कि आप इसके स्क्रीन शॉट ले लो, क्योंकि लिखने में बहुत टाइम जाएगा एंड दे आर जस्ट डेफिनेशंस। मैं तुम्हारे साथ ये लिंक भी शेयर कर लूंगा। So, जैसे पहली टर्म आती है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। तो देखो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है, अगर आपने किसी भी जैसे रबर ही ले लिया, रबर को स्ट्रेच किया और रिलीज कर दिया, क्या होता है, रबर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में इंस्टेंटेनियसली आ जाता है, कुछ टाइम लगता है रबर को आने? अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ सबसे, कुछ टाइम लगता है, कुछ टाइम लगेगा, कुछ टाइम लैग होगा जिसके बाद रबर अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आएगी, इसी को कहते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ओरिजिनल स्टेट रीगेन करने में जो टाइम लगेगा, दैट इज इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। नेक्स्ट है इलास्टिक फैटिग। नोहा, अगर मैं एक मेटल स्ट्रिप लूं और उस मेटल स्ट्रिप को, मतलब ये स्ट्रिप ली, पहले मैंने उसे नीचे फोल्ड किया, फिर मैंने ऊपर फोल्ड किया, फिर नीचे फोल्ड किया, फिर ऊपर फोल्ड किया, इसको ऑल्टरनेटिवली घुमाता रहूँ, नीचे ऊपर करता रहूँ, तो क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ सेम रहेगी या डिक्रीज कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी, दैट इज नोन एज इलास्टिक फैटिग। कि अगर आपने एक मटेरियल लिया और उससे आप ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन्स दे रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग स्ट्रेन मीन्स एक बार स्ट्रेन नीचे दी फिर ऊपर दी, उससे ये वीक हो जाता है, दिस इज नोन एज इलास्टिक फैटिग। और होगा ये कि जब रबर बैंड के साथ भी तो होता है ना, अगर उसको हम बार बार स्ट्रेच करेंगे तो फिर बिल्कुल किसी भी मटेरियल के साथ आप स्ट्रेच करो छोड़ दो, स्ट्रेच करो छोड़ दो, उसकी वीक हो जाएगी, टूट जाएगी फाइनली जाके, that is elastic fatigue. Elastic fatigue के बाद next कुछ conceptual questions school exams में आए हुए थे, मुझे याद थे, तो कि जितने भी मशीनरी के पार्ट्स होते हैं, आप कोई मशीन अगर यूज करो, इवन कार में भी जितने भी मशीनरी पार्ट्स यूज होते हैं, उसमें से किसी पर भी उसकी इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड स्ट्रेस अप्लाई नहीं करते। यशिका, क्या मतलब होता है इलास्टिक लिमिट का, किसी भी मशीनरी पार्ट की इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? इलास्टिक लिमिट इज द लिमिट व्हिच कैन बी, मतलब यहां तक मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद अप्लाई करने के बाद वो टूट जाता है। ना ना ना, वो तो ब्रेकिंग स्ट्रेस थी सर, वो वहां तक जहां पे मतलब वो अपने आप को रिस्टोर कर ले जहां तक वो इलास्टिक रहेगा, वो ब्रेकिंग स्ट्रेस है जहां ब्रेक कर जाता है, जिस फोर्स या स्ट्रेस के लिमिट तक बॉडी अपनी ज्यादा कर देंगे तो डिफॉर्म हो जाएगी, तब जहां तक बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर ले जिस स्ट्रेस की वैल्यू तक, दैट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। आप इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो बॉडी टूटेगी नहीं, परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाएगा, लेंथ में परमानेंट चेंज आ जाएगा, वॉल्यूम में परमानेंट चेंज आ जाएगा। ऐसी एक और आता है कि अगर आप मशीनरी के पार्ट्स देखोगे, मशीनरी पार्ट्स में एक बहुत थिक वायर की जगह बहुत थिन वायर्स होती हैं, उन्हें लिया जाता है। उसका रीज़न यही है कि बहुत सारी थिन वायर्स को एक साथ लेकर कंबाइन कर दोगे तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग वायर बना लेती है, एज कंपेरेटिव टू कि आपने एक बहुत सिंगल थिक वायर ली हुई। अगर आप ब्रिजेस देखोगे, ब्रिजेस में ना इस शेप के पिलर्स यूज होते हैं, जितने भी ब्रिज आप देखोगे वहाँ इस शेप के पिलर्स यूज हो रहे होते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि इस तरह के जो पिलर्स होंगे उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। फिर वापस स्क्रीनशॉट ले लिया, मतलब मैं इसमें बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं चाह रहा, दीज आर थ्योरेटिकल थिंग्स बिल्कुल, लेकिन मैं इसको मिस भी नहीं करना चाह रहा आपसे, कभी कभी सॉलिड्स में सिर्फ यही पूछता है और कुछ नहीं पूछता। फिर आपसे पूछता है मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन अर्थ। तो देखो होता क्या है, अगर आपने कोई एक माउंटेन ली, वो माउंटेन
अर्थ की क्रस्ट पर तो नॉर्मल स्ट्रेस अप्लाई करेगी, लेकिन माउंटेन का जो मटेरियल है वो माउंटेन की साइड्स पर यहाँ एक टेंजेंशियल स्ट्रेस अप्लाई करता है, और अगर वो टेंजेंशियल स्ट्रेस माउंटेन की ब्रेकिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो गई तो माउंटेन ब्रेक कर देगी। ऊपर टेंजेंशियल स्ट्रेस कम होगी क्योंकि मटेरियल कम है, जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हो मटेरियल बढ़ता चला जा रहा है, टेंजेंशियल स्ट्रेस बढ़ती चली जाएगी और एक पॉइंट पर आकर इतनी टेंजेंशियल स्ट्रेस हो जाएगी कि पॉसिबल है कि ये माउंटेन ब्रेक कर दे। अब वो टेंजेंशियल स्ट्रेस कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द प्रेशर, जो भी प्रेशर माउंटेन यहाँ अप्लाई करे। प्रेशर हमेशा एच रो जी से निकालते हैं, हाइट ऑफ माउंटेन इज एच, डेंसिटी ऑफ माउंटेन रफली एक माउंटेन की डेंसिटी 3000 होती है और जी इज 10। ये आप समझ लो ये वो प्रेशर है जो माउंटेन पर आकर, यही प्रेशर है जो माउंटेन अर्थ पर अप्लाई करती है और यही वो प्रेशर है जो माउंटेन के एजेस पर एक्ट कर रहा है, ऑन अर्थ और ऑन एजेस ऑफ माउंटेन। माउंटेन की जो इलास्टिक लिमिट है वो इतनी है, इससे ज्यादा अप्लाई करोगे ब्रेक कर देगी, और इलास्टिक लिमिट से बेटर है ये आपकी ब्रेकिंग। तो आप जो भी प्रेशर अप्लाई करोगे दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू द ब्रेकिंग स्ट्रेस। आपने इतना प्रेशर अप्लाई किया, दिस इज लेस देन और इक्वल टू द ब्रेकिंग स्ट्रेस, तो यहां से आपने हाइट कैलकुलेट कर ली, दैट्स लेस देन 10 किलोमीटर। हाइट का क्या रिलेशन हुआ इससे ब्रेकिंग स्ट्रेस से? जो जो ब्रेकिंग स्ट्रेस है ये तो फिक्स होती है हर मटेरियल के लिए। माउंटेन जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहा है वो आप प्रेशर के थ्रू कैलकुलेट कर रहे हैं, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया ना, तो जो भी प्रेशर माउंटेन अप्लाई करेगा वही उसकी स्ट्रेस के इक्वल होगा जो स्ट्रेस अप्लाई कर रही है जी। सो ये वो स्ट्रेस है जो माउंटेन ने अप्लाई करी, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है जो विदस्टैंड कर सकती है, सो दिस स्ट्रेस शुड बी लेस देन और इक्वल टू दिस मैक्सिमम स्ट्रेस। इक्वल हुआ तो ब्रेक नहीं हो जाएगा वो, लेस देन और इक्वल टू जी, यहां तक तो ब्रेक हो ना, ब्रेक तो इससे ज्यादा पर होगा जी। इक्वल टू का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 10 किलोमीटर की अर्थ की सरफेस पे जो भी माउंटेन होगी उस माउंटेन की मैक्सिमम हाइट 10 किलोमीटर हो सकती है। 10 किलोमीटर से ज्यादा की अगर हाइट की माउंटेन होगी तो वो अपने ही एजेस पर इतनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेगी कि ब्रेक कर देगी। इसलिए अगर आप माउंट एवरेस्ट भी देखोगे ना तो वहां भी हाइट इज नॉट 10 किलोमीटर, इट्स लेस देन 10 किलोमीटर। इसे लिख, इसको भी चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बार बार कह रहा हूँ ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना, स्कूल एग्जाम्स में यूजुअली यही पूछता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया अनवी अक्षत? यस सर। अच्छा नेक्स्ट देखिए, आपके पास दो तरह की शाफ्ट है, एक हॉलो शाफ्ट है और एक सॉलिड शाफ्ट, दोनों को एक हॉलो शाफ्ट है और एक सॉलिड शाफ्ट है, कह रहा है इन दोनों में से कौन सी स्ट्रांग होती है, तो जो हॉलो शाफ्ट है वो कंपेरेटिव स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू अ सॉलिड शाफ्ट। इसीलिए जितने भी मशीनरी के पार्ट्स हैं उनमें जो शाफ्ट यूज किया जाता है वो एक हॉलो सिलेंडर है, नॉट न कि एक सॉलिड सिलेंडर यूज करते हैं, उसको भी लिख लीजिएगा। These questions are from आपका जो स्कूल एग्जाम्स होते हैं उनके पेपर्स। ऐसा कैसे हो सकता है? लास्ट वाले वाला समझ नहीं आया मुझे। मशीनरी के पार्ट्स को रोटेट करने के लिए शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, सिलेंडर होगा। जैसे अगर आप कार के टायर्स भी देखो तो एक टायर और दूसरे टायर के बीच में ऊपर से एक सिलेंड्रिकल सी शाफ्ट जा रही होती है, शाफ्ट के रोटेशन की वजह से टायर्स रोटेट करते हैं। तो जब ये शाफ्ट चूज की जाती है तो उसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है, आप हॉलो शाफ्ट चूज कर सकते हैं और आप सॉलिड शाफ्ट चूज कर सकते हैं, और इसलिए आप वो शाफ्ट यूज करोगे जो ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो एज कंपेयर टू अ सॉलिड शाफ्ट
जो हॉलो शाफ्ट है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है. सॉलिड में एक प्रॉब्लम ये होती है कि अपने वेट की वजह से भी ब्रेक कर जाती है, हॉलो में वो इशू नहीं आएगा. पर हॉलो वीक नहीं होगा ज्यादा क्योंकि उसमें मटेरियल भी कम है. यहाँ अंदर जो वेट है ना इसका, वो वेट इसे इतना वीक कर देता है जो हॉलो से भी कम रहेगा. और सॉलिड को रोटेट करने के लिए कम टॉर्क की जरूरत पड़ेगी, मींस ये आसानी से बेंड भी कर देगा, ट्विस्ट कर देगा, लाइक ये है ऐसे करके ट्विस्ट भी कर देगा आसानी से एज कम्पेयर टू हॉलो शाफ्ट. हॉलो शाफ्ट को अगर ट्विस्ट भी करना है तो आपको ज्यादा टॉर्क अप्लाई करनी होगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग. सो एक ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस थे. इसके बाद एक और आता है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आता है. उस स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बेसिस पर कुछ कुछ क्वेश्चंस पूछता है. तो नेक्स्ट वो कर्व देखो. आई नो ये थोड़ा सा ड्राई हो जाता है लेकिन है ये सिलेबस का पार्ट, क्वेश्चंस भी आते हैं यहाँ से, तो उसे ना आप इग्नोर कर सकते हैं ना मैं इग्नोर कर सकता. आप इसके लिंक शेयर कर देंगे ना? हाँ मैं इसका लिंक आप समझते हुए चलो मैं शेयर कर लूंगा लिंक. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. लास्ट ईयर ज्यादा स्कूल में जो क्वेश्चन था वो सिर्फ यहीं से आया था, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का मतलब क्या है, देखो इसको बनाने के लिए करा क्या है, एक वायर ली और इस वायर के ऊपर ना, ये वायर ली और इस वायर पर फोर्स अप्लाई करते चले जा रहे हैं, वेट बढ़ा रहे. वेट बढ़ाने का क्या मतलब है उन्हीं, अगर मैं एक वायर पर वेट बढ़ा रहा हूँ दैट मींस मैं स्ट्रेस बढ़ा रहा हूँ. यस सर. कैसे कनेक्ट करोगे वेट को स्ट्रेस, तुम कैसे कह सकते हो कि अगर मैं वेट इज फोर्स, हाँ स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करते हैं उन्हीं, फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स अपॉन एरिया. So if you're increasing weight, so stress increase होगा. Noah, अगर मैं वायर पर स्ट्रेस बढ़ाता चला जाऊं यहां से, तो वायर के elongation पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? Yes, sir. क्या फर्क पड़ना चाहिए, elongation कम हो जाना चाहिए, सेम रहना चाहिए, बढ़ेगा और elongation क्या होगा? Yes, Noah, क्या इफेक्ट पड़ेगा? Sir, it depends कि आप उसका स्ट्रेस कैसे लगा रहे हैं. मैं स्ट्रेस इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे वेट है ना नीचे, मैं वेट बढ़ाता चला जा रहा हूँ, 2 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg बढ़ाता जा रहा हूँ. क्या लगता है आपको क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज होगा स्ट्रेस? स्ट्रेस तो इंक्रीज होगा ना? यस सर. ऐसे भी नोआ, स्ट्रेन है क्या? स्ट्रेन इलोंगेशन ही तो है और तो कोई नई चीज नहीं है. मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ तो उसकी स्ट्रेन पर क्या फर्क पड़ेगा, इलोंगेशन पर क्या फर्क पड़ेगा, बताइए. सेम रहेगा एलोंगेशन, बढ़ता चला जाएगा? सब बढ़ेगा. बढ़ेगा मीन स्ट्रेन बढ़ेगा. लेकिन वायर ना कई बार बहुत इंटरेस्टिंग नेचर शो करती है. वायर में कई तरह की चीजें आती हैं. एक आता है कि वायर में ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो. क्या मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने का? अगर मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस और जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे वैसे स्ट्रेन इंक्रीज होगा. हाँ ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेस, कि आपने स्ट्रेस डबल किया स्ट्रेन डबल हो जाए, आपने स्ट्रेस को 3 times किया स्ट्रेन भी 3 times हो जाए. तो ये पॉसिबिलिटी है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. जब तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आप कहते हो आपका सिस्टम प्रोपोर्शनल लिमिट. इलास्टिक लिमिट अभी यशिका को पता चला था. यशिका क्या मतलब होता है इलास्टिक लिमिट का? अगर मैं इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर दूं तो क्या होगा? सर अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगी. अच्छा गुड, वापस नहीं आ पाएगी. अनवी अगर एक बॉडी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस नहीं आती तो आप क्या कहोगे? आ जाती है, लेट से मैंने एक वायर ली उसको स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, वायर दोबारा अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ गई, तो व्हाट इज द स्ट्रेन डेवलप्ड इन द वायर? दोबारा सुनो, आपने एक बॉडी ली, एक वायर ली, आपने उसकी लेंथ इंक्रीज की, स्ट्रेच किया और छोड़ दिया, वायर दोबारा से अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाती है. ओके तो मुझे सिर्फ ये बताओ वायर में स्ट्रेन कितना डेवलप हुआ? जीरो हो गया स्ट्रेन?
पहले कुछ स्ट्रेन डेवलप हुआ होगा, लेकिन चूंकि इलोंगेशन जीरो हो गया तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा अगर दिव्यांशु मैं इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूँ और मैंने स्ट्रेस जीरो कर दी, बी सारी फोर्स हटा दी, तो क्या वायर दोबारा ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आएगी? नहीं सर, नहीं आएगी। क्या स्ट्रेन जीरो होगा? नहीं सर, स्ट्रेन बढ़ जाएगा थोड़ा सा। स्ट्रेन बढ़ जाएगा। प्लास्टिक बिहेवियर का क्या मतलब समझ में? अक्षत अगर मैं कह रहा हूँ एक वायर ना अब प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, इसका क्या मतलब है? अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर पा रही है या नहीं कर पा रही? हाँ जी, अगर एक वायर प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रही है दैट मींस अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन नहीं कर सकती, और प्लास्टिक बिहेवियर के बाद उस वायर में एक ही चीज बच जाती है कि वायर थिन हो जाए और ब्रेक कर। तो जो सब मैं अभी डिस्कस कर रहा था वो सारी चीजें इस ग्राफ के थ्रू डिस्कस की गई। वाई एक्सिस पर आपका स्ट्रेस है, एक्स एक्सिस के ऊपर स्ट्रेन दिया हो। इनिशियली स्ट्रेस जीरो था तो देखो स्ट्रेन भी जीरो है, ओरिजिन है। आपने धीरे 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 स्ट्रेस इंक्रीज करना शुरू किया, जैसे जैसे आप स्ट्रेस इंक्रीज करोगे स्ट्रेन इंक्रीज होता चला जाएगा, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अप टू पॉइंट ए ग्राफ स्ट्रेट लाइन, मींस स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मींस वायर आपकी अभी विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट है। आपने और स्ट्रेस अप्लाई की, अब क्या हो रहा है आप थोड़ी सी भी स्ट्रेस अप्लाई करते हो तो स्ट्रेन बहुत ज्यादा डेवलप होती है, विच मीन्स अगर स्ट्रेस डबल करोगे तो स्ट्रेन डबल नहीं होगा, हो सकता है आप स्ट्रेस डबल करो स्ट्रेन फोर टाइम्स हो जाए। दिस रीजन में फॉर अ स्मॉलर वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रेन डेवलप होगी, एंड योर ग्राफ इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ कर्व। सो ये मुझे कौन बताएगा? नोआ, इस रीजन में क्या हुक्स लॉ फॉलो होगा ए से बी? नोआ, नोआ को हुक्स लॉ याद नहीं है। नम्रा, क्या ए टू बी हुक्स लॉ फॉलो होगा? क्या करते हो तुम लोग, सब सही बताते बताते गड़बड़ कर देते हो। उमर, हुक्स लॉ क्या होता है? याद नहीं। अरे हुक्स लॉ सिर्फ इतना कहता है कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट्स इट। तो जो मैं प्रोपोर्शनल लिमिट में कह रहा हूँ वही हुक्स लॉ। तो फिर नहीं होगा फॉलो प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद। ए से बी तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तो यहाँ हुक्स लॉ फॉलो नहीं होगा। लेकिन बी पर भी ना अगर मैंने वायर को अनलोड कर दिया, मींस स्ट्रेस जीरो कर दिया, तो स्ट्रेन जीरो हो जाएगा। बी से जैसे ही मैं आगे बढ़ा, अब इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गया। क्या मतलब है इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने का? नोआ, अगर स्ट्रेस इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर जाए नोआ, तो उसका क्या मतलब होता है? अक्षत तुम बताओगे? अगर एक वायर है उसको मैंने स्ट्रेस अप्लाई कर दी मोर देन इट्स इलास्टिक लिमिट, तो क्या होगा वायर के साथ? अरे नहीं यार, ब्रेक थोड़ा करेगी, इलास्टिसिटी लूज कर देगी अपनी, वो अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आ पाएगी, अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे नहीं आ पाएगी। तो सी बी के बाद अब ये प्योरली इलास्टिक नहीं रही। तो देखो सी पर अगर मैंने स्ट्रेस जीरो भी कर दी ना, तो देखो यहाँ पर स्ट्रेन जीरो नहीं आ रही, कुछ ओ ओ प्राइम स्ट्रेन आ जा रही है, इसे परमानेंट स्ट्रेस कहते थे। अब इसके बाद बी के बाद से इसमें परमानेंट चेंजेस आने शुरू हो गए, तो कौन सा रीजन है? इलास्टिक रीजन है अभी भी या प्लास्टिक रीजन में आ गया? प्लास्टिक। अब बी के बाद प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है, मींस वायर में परमानेंट चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो, स्ट्रेन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। ये आता है अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस जिसके बाद वायर ब्रेक कर जाएगी, इससे ज्यादा आप स्ट्रेस अप्लाई नहीं कर सकते। इससे ज्यादा अगर आपने स्ट्रेस अप्लाई कर दी तो आपकी वायर टूट जाएगी, और फिर यही होता है, आप थोड़ी सी स्ट्रेस और बढ़ाओ और वायर में थिनिंग शुरू हो गई। तुम स्ट्रेस कम भी कर दो ना तो वायर यहां जाकर टूट जाएगी, दैट्स द फ्रैक्चर पॉइंट। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वायर पर। यहाँ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, आपको कर्व ड्रॉ करके दे देगा, आपसे कहेगा अच्छा बताओ प्रोपोर्शनल लिमिट कहाँ तक है, इलास्टिक लिमिट कहाँ तक है, कौन सा प्लास्टिक रीजन है, कौन सा इलास्टिक रीजन है, कहाँ से कहाँ तक इलास्टिक रीजन है बताओगे मुझे? इलास्टिक जीरो से बी तक। तो यहाँ जो इलास्टिक रीजन है, दैट इलास्टिक रीजन इज फ्रॉम ओ टू बी।
elastic region is from O to C. O से C तक elastic region होगा. चलो इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. फिर C के बाद से लेकर फ्रैक्चर पॉइंट तक सब प्लास्टिक रीजन होता है. B के बाद से O to B is elastic. उसके बाद से प्लास्टिक रीजन शुरू हो जाता है. This is very 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 important. बहुत चांसेस होते हैं यहां से कोई कैलकुलेशन ना आए स्कूल एग्जाम्स में, कोई न्यूमेरिकल ना है, बट ये सब कर्व पूछ लेगा आपसे. स्क्रॉल करूं इसे फर्दर. जी अच्छा, इसके बाद क्या था है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप कैसे डिसाइड करोगे कि मटेरियल आपका डक्टाइल है या मटेरियल आपका ब्रिटल है. देखो डक्टाइल मटेरियल्स वो होते हैं जिनकी आप शीट्स बना सकते हैं, वायर्स बना सकते हैं. तो जिस मटेरियल की तुम वायर बनाते हो उसका प्लास्टिक रीजन कैसा होना चाहिए, स्मॉल या लार्ज होना चाहिए. देखो डक्टाइल का मतलब यही तो है कि आपने एक बार खींच के छोड़ दिया तो वो उसी लेंथ में रह जाए. जैसे कॉपर है, कॉपर से जब आप वायर्स बनाते हैं तो एक पोर्शन लिया आपने छोटा सा कॉपर का, हीट करा, उसे स्ट्रेच करना शुरू कर दिया. स्ट्रेच करने के बाद आप छोड़ते हो, ऐसा थोड़ा ना होता है कि सारी की सारी वायर दोबारा से एक छोटा सा पोर्शन बन जाएगी. उसमें जो चेंजेस हैं वो परमानेंट रहते हैं. सो डक्टाइल मटेरियल्स में प्लास्टिक रीजन लार्ज होता है. देख रहे हो यहाँ से प्लास्टिक शुरू हुआ और एफ तक जा रहा है, लार्ज प्लास्टिक रीजन. ऑन द अदर हैंड ब्रिटल मटेरियल, ये वो मटेरियल है जो बहुत आसानी से टूट जाते हैं, इनमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता. तो देख रहे हो प्लास्टिक रीजन बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल है, दे आर ब्रिटल मटेरियल. इसका स्क्रीन शॉट लीजिए. ब्रिटल में फिर इलास्टिक भी कम नहीं होगा? नहीं, ब्रिटल ऐसे हैं कि इलास्टिक, जहां तक जब तक इलास्टिक हैं वो इलास्टिक हैं, आपने फोर्स हटा दी तो दोबारा से ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेंगे, लेकिन परमानेंट चेंजेस नहीं आते. ऐसा नहीं होता कि परमानेंट चेंजेस आ रहे, या तो इलास्टिक रहेंगे या ब्रेक कर देंगे. एक डेफिनेशन और आती है विच आर इलास्टोमर्स. इलास्टोमर्स वो मटेरियल है जिनमें हुक्स लॉ फॉलो ही नहीं होता, कभी भी स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा. इलास्टोमर का एग्जांपल है रबर, कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, हमेशा एक कर्व आता है. इसमें कोई प्लास्टिक रीजन नहीं होता, रबर्स में कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे. इलास्टिक रीजन होगा या टूट जाएगी. यंग्स मॉडल्स की वैल्यू बहुत छोटी होती है, डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, दे आर इलास्टोमर्स. इसे इसको भी लीजिए. ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व इंपॉर्टेंट है, वो कर्व ड्रॉ करके दे देगा और आपसे कहेगा बताओ मटेरियल कैसा है, इलास्टोमर है या नहीं. तो याद रखना इलास्टोमर्स में स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन. और ये कभी भी हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता. नेक्स्ट देखिए इलास्टिक हिस्टेरेसिस. देखो इलास्टिक हिस्टेरेसिस का क्या मतलब है, यूजुअली मटेरियल्स में होता है कि जब आप उन्हें लोड करते हो, लाइक आप स्ट्रेस जब इंक्रीज कर रहे हो, सो दिस इज द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. जब आप उन्हें अनलोड करोगे मींस स्ट्रेस डिक्रीज करोगे तो स्ट्रेन डिक्रीज तो होगा बट पाथ सेम नहीं रहता. विच मीन्स एक रबर है
लेट्स से टायर ले लो, ट्रक की टायर में जो रबर यूज होती है, जब उसमें तुम लोड डालते हो तो उसका बिहेवियर अलग होता है, स्ट्रेन अलग तरह से इंक्रीज होता है. जब लोड कम करते हो स्ट्रेन अब डिक्रीज होगा, बट सेम पाथ नहीं फॉलो करेगा, डिफरेंट पाथ फॉलो करेगा. कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों होता है कि एक ही मटेरियल है जब आप वेट डाल रहे हो तो उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग तरह से, जब आप वेट कम कर रहे हो तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अलग शेप ले रहा है, अलग पाथ फॉलो कर रहा है. एटलीस्ट रीजन होता है इसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, एटॉमिक कॉन्फिगरेशन इनकी, किन किन एटम्स कैसे अरेंज है. जब आप वेट डालते हो बॉडी पर तो एटॉमिक अरेंजमेंट अलग था, जब आपने उसे पूरी तरह से स्ट्रेस बढ़ा दी अब एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज हो गया. अब जब आप स्ट्रेस कम करोगे तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अलग तरह से बिहेव करेंगे. दिस फैक्ट कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व सेम पाथ फॉलो नहीं करता स्ट्रेन को रिवर्स करने पर, मींस अनलोड करने पर, इसे इलास्टिक हिस्टेरेसिस कहते हैं. और ये जो एरिया आ रहा है ना इस कर्व के अंडर, ये एरिया एनर्जी लॉस बताता है ड्यूरिंग लोडिंग, कि जब आप लोड करेंगे रबर को तो ड्यूरिंग लोडिंग जो एनर्जी में लॉस आएगा रबर की, वो लॉस इतना है. जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा. ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है. यहाँ से ऐसे बनाता है, कहता है कि कार टायर्स जो हैं उनको दो तरह के रबर देगा आपको, एक रबर है जो कार टायर्स में यूज होती है, एक रबर है जो शॉकर्स में यूज होती है. दोनों के स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में क्या डिफरेंस होना चाहिए. देखो कार टायर में आप जो रबर यूज कर रहे हो वहां आपका मोटिव होता है कि एनर्जी लॉस ना हो. एनर्जी लॉस ना होने का मतलब है दिस एरिया शुड बी स्मॉल, तो आप ऐसी रबर यूज करते हो जिसका हिस्टेरेसिस लूप बहुत स्मॉल, ये लॉस ना हो पाए. दूसरा शॉकर्स जब आप यूज करते हैं तो आपका मोटिव ये होता है कि आपकी एनर्जी अब्सॉर्ब हो जाए, जो भी जर्क लग रहे हैं जो भी शॉक्स हैं वो सब अब्सॉर्ब हो जाए, आपकी एनर्जी लॉस हो जाए. दैट मीन्स आप ऐसी रबर प्रिफर करोगे जिसका लूप का एरिया बहुत ज्यादा. हिस्टेरेसिस लूप इन शॉक अब्सॉर्बर्स बिटवीन वाइब्रेटिंग सिस्टम एंड द फ्लैट. These two are super important conceptual questions. Screenshot ले लीजिए इसका भी please. इसके अलावा solids में से कहीं कुछ नहीं आता. अब आप जहां से भी practice करो previous से उठाओ. मैंने कुछ questions ले लिए हैं जेई से, लेकिन मैंने आप